हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो ये वीडियो उन सभी मेरे भाइयों के लिए जो एक अच्छी मस्कुलर फिजिक बनाना चाहते हैं बट बिना वे प्रोटीन के। हम वर्कआउट करते हैं पर हमें नहीं पता हम क्या लें आफ्टर वर्कआउट अगर हम वे प्रोटीन नहीं लेते हैं। तो इस वीडियो में सारे कन्फ्यूजन दूर करूंगा। वेज और नॉन वेज दोनों डाइट मैंने इसमें बताई है, क्या ले सकते हो आप आफ्टर इंटेंस वर्कआउट जिससे आप एक अच्छी मस्कुलर फिजीक बना सकते हो। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। वेज और नॉन वेज दोनों पोस्ट वर्कआउट मील्स जो वे प्रोटीन की जगह आप ले सकते हो। भाई अगर आप चैनल पर नए हैं, मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ सब्सक्राइब कर दीजिए, इस रेड बटन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं रेगुलर अपलोड करता हूँ अपने कंटेंट्स। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखा देता हूँ। पहले मैं कैसा लगता था, स्किनी, कोई स्टाइल नहीं, पतला सा। तब मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं थी फिटनेस इंडस्ट्री की, मुझे नहीं पता था कैसी एक्सरसाइज करनी है, कैसे क्या खाना है, पहले क्या खाना है, बाद में क्या खाना है। और अब मैं उसके बिल्कुल अपोजिट हूँ, मुझे पता है कि क्या खाना है आफ्टर वर्कआउट, उससे पहले क्या खाना है, एक्सरसाइज क्या करनी है, कैसे करनी है, कौन सा प्रोग्राम फॉलो करना है। तो इसमें मैं आपसे शेयर करूँगा वो सारी चीज़ें जिससे मुझे हेल्प मिली, ताकि आप भी ट्रांसफॉर्म कर सको। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बाउल चाहिए। बाउल कांच का या प्लास्टिक का किसी का भी चलेगा, पर बड़ा होना चाहिए, जिसमें हम अपनी मील बनाने वाले हैं जो वे प्रोटीन की जगह होगी। फर्स्ट जो चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं वो है ग्रीक योगर्ट। योगर्ट किसी भी कंपनी का चलेगा, योगर्ट सिंपल योगर्ट भी चलेगा, कोई भी फ्लेवर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर योगर्ट होना चाहिए। उसके बाद हम यूज़ करेंगे ओट्स। ओट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें प्रोटीन और कार्ब्स बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है एक एप्पल। एप्पल ज़रूरी है इस मील के लिए। नेक्स्ट जो हम चीज़ यूज़ करने वाले हैं वो है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी हम 4 से 5 यूज़ करेंगे। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो हम यूज़ करने वाले वो है कीवी। अगर कीवी नहीं है कोई बात नहीं, अगर है तो बेस्ट है। नेक्स्ट हम एक बनाना यूज़ करेंगे, एक केला। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी मील के लिए। फिर आते हैं कुछ नट्स पर। काजू, बादाम, किशमिश, ये डेफिनेटली होने चाहिए, बिना इसके आपकी डाइट कंप्लीट नहीं होगी। और जो नेक्स्ट है वो है सीड्स। ये सीड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मार्केट में बहुत कम रेट्स में अवेलेबल है, आप जाके देखो, ले ओ। चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड, पम्पकिन और वाटरमेलन सीड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी डाइट के लिए। और लास्ट में कुछ इस तरह दिखेगा, जिसमें आपकी पूरे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट पूरे हो चुके हैं। प्रोटीन यहाँ पे आपको मिला है कुछ 30 to 35 grams, और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो चलते हैं नेक्स्ट मील की तरफ। नेक्स्ट जो हमारी मील है उसके लिए आपको ऐसे ग्राइंडर या फिर मिक्सर, कुछ भी हो बस जिसमें हम मिक्स कर सके चीज़ें, मशीन होनी चाहिए आपके पास। आजकल मार्केट में बहुत कम रेट में ये अवेलेबल है, आप ले लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाली है अगर आप वे प्रोटीन यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो। सबसे पहली चीज़ ओट्स। ओट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोटीन और कार्ब्स बहुत अच्छे अमाउंट में मिल जाएंगे और हमें जस्ट आफ्टर वर्कआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटीन और कार्ब्स की, और ये बहुत इंस्टेंटली बॉडी आपको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है एक केला। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी इस मील के लिए। नेक्स्ट जो हम चीज़ यूज़ करने वाले हैं वो है एक ग्लास दूध। ये ठंडा ही होना चाहिए, गर्म नहीं चलेगा, चिल्ड। नेक्स्ट एक स्पून पीनट बटर, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे इस मील के लिए। नेक्स्ट है 2 ओरियो बिस्किट। अगर ओरियो बिस्किट नहीं है आपके पास तो आप 5 रुपये वाली एक चॉकलेट यूज़ कर सकते हो, ये आपके शेक को टेस्टी बनाने के लिए। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे एक एप्पल। ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपको यूज़ करना है तो ठीक है, अगर नहीं करना कोई बात नहीं। ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस मील के लिए। 5 से 6 एलमंड्स, 5 से 6 कैश्यू, 10 से 15 रेजिन्स और हमारी मील तैयार है।
इसमें सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे हो चुके हैं आपके, ये आप वे प्रोटीन की जगह ले सकते हो। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है सोया चंक्स। सोया चंक बहुत अच्छा ऑप्शन है वे प्रोटीन की जगह, आप ले सकते हो, ये सेफ़ है। सोयाबीन नहीं लेने आपको, सोया चंक्स लेने हैं, और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है प्रोटीन के लिए। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है स्प्राउट सैलेड, ये आप यूज़ कर सकते हो आफ्टर इंटेंस वर्कआउट अगर आप ये प्रोटीन नहीं लेना चाहते हो तो। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, आप एग्स भी यूज़ कर सकते हो वे प्रोटीन की जगह। इसमें आपको 6 से 7 अंडे आप लेने हैं आपको, जिसमें से 3 में योक हटाना है, 3 में योक रख सकते हो। कोशिश करो 4 से ज़्यादा योक आप ना लो, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है वे प्रोटीन की जगह अगर आपको कंज्यूम करना है तो प्रोटीन। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑमलेट, आप 6 से 7 अंडे का ऑमलेट रख सकते हो, 3 से 4 में योक रखना, बाकी में हटा देना, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आफ्टर इंटेंस वर्कआउट, आपका प्रोटीन यहाँ से पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है चिकन, चिकन आप ग्रिल भी ले सकते हो, बॉइल भी ले सकते हो, 100 से 150 ग्राम में आपका प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे, पनीर। पनीर आप 100 से 200 ग्राम पनीर कंज्यूम कर सकते हो आफ्टर इंटेंस वर्कआउट, आपका प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाएगा।